भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश में कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 105 वर्ष पहले जब एक वैश्विक महामारी ने विश्व समुदाय को आतंक किया था, तब सबसे बड़ा असर भारतवासियों पर हुआ था। परंतु कोविड-19 का सामना करने में देशवासियों के धैर्य और साहस, भारत के वैज्ञानिकों की असाधारण क्षमता, डॉक्टरों, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों तथा प्रशासन और कुशल नेतृत्व के बल पर भारत ने न केवल अपनी विशाल आबादी को उस भयानक आपदा से बाहर निकला, बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी सहायता की। भारत द्वारा विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान संपन्न करना हमारे देश के आत्मनिर्भरता और दक्षता का अभूतपूर्व उदाहरण है। जन भागीदारी और सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे बताया गया है कि आयुष्मान भव अभियान की व्यापक रूप देखरेखा तैयार की गई है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तथा विलेज सभी स्तर पर भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों की भूमिका तय कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस को भी स्वास्थ्य मेलाओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में योग देने वाले जिलों, पंचायतों और वार्ड्स को पुरस्कृत करने की पहल सराहनीय है। इसी प्रकार टीबी के उन्मूलन में निक्षय मित्र के रूप में योगदान देने वाले संस्थानों तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत करने भी प्रशंसनीय है। ऐसे बहुस्तरीय और व्यापक भागीदारी के साथ चलाए जाने वाले आयुष्मान भव अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।